बड़ी संख्या में लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, सभी दुआ दे रहे हैं। आप देखिएगा बिहार का हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक बूथ पे लोग उत्साहित हैं, खुश हैं। जो ये भाजपा के लोगों ने उनके चेहरे से खुशी या मुस्कान छीन रखी थी, आज देखिएगा वो खुशी या मुस्कान और उत्साहित होकर के लोग आशीर्वाद देने, अपना समर्थन देने यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और आपने देखा होगा, नज़ारा भी देखा होगा, औवध के बाद पूरा राजेंद्र चौक जो है किस प्रकार से लोगों का हुजूम, प्यार मोहब्बत लेकर के आया। हम इन सभी लोगों के प्रति, बिहार की जनता के प्रति हम सर झुका करके धन्यवाद देते हैं। और उनके प्यार और आशीर्वाद जो मिला है, हम समझ सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है। और जिन चुनौतियों को लेकर के हम लोग चले थे, उसको लेकर के आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस काम को हमको पूरा करना है। उप मुख्यमंत्री आप बने हैं तो रोजगार पर सवाल, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ मजबूती के साथ खड़े होकर के इस काम में हम लोग लगे, इसी की अब तैयारी होनी है। बस अब वोट ट्रस्ट हो जाने दीजिए, एक बार सरकार का पूर्ण गठन हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है हर हाथों को हमारी कोशिश होगी रोजगार देने का, किसान को सहारा देने का, मजदूर को काम देने का, इसी चीज़ों में हम लोग लगे। बीजेपी को अभी से लगता नहीं है कि पेट में दर्द होने लगा है, बीजेपी कह रही है कि सांप और नेवला की दोस्ती हुई है। भाई किसका डीएनए खराब था, उसके बाद कायला दोस्ती किए हूँ? क्या क्या बोलते थे भाई नीतीश जी के बारे में? सर वो तो आप ही, इतना इतना घटिया कमेंट हम लोगों ने दिया क्या कभी? भाजपा के लोगों ने तो कितना गंदा घटिया बयान दिया। और जिस प्रकार से माहौल था देश का, आप बताओ पार्लियामेंट में बहरी गूंगी सरकार के नाम बंद कर दिया गया था, असंसदीय कर दिया गया था, आप कुछ नहीं कह सकते थे। ऐसे कितने ऐसे शब्द हैं, झूठी सरकार नहीं बोल सकते आप। आप कोई चीज़ जो है, इस सरकार पूरी तरीके से तानाशाह रवैये से भाजपा के लोग जो चला रहे हैं, ये लोग सांप और नेवला क्या बोलेगा और बोलने को बचा क्या है? अब जिसके छाती पे सांप लौट रहा है वो यही सब ना बोलेगा? अभी तो वो छटपटा रहे हैं लोग, 17 साल से सत्ता का सुख ले रहे थे, काहे ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिए, काहे ने ये भाजपा वाले लोग प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ करके धरना देते हैं और कहते हैं कि बिहार को जो आपने स्पेशल पैकेज जो वादा किया था वो क्यों नहीं देते हैं आप? क्यों नहीं, मुख्यमंत्री जी तो अपना काम कर ही रहे थे। पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो अधिकार छात्रों की मांग थी कि भाई सेंट्रल का दर्जा दे दिया जाए, वो भी नहीं दिया उन्होंने। जातीय जनगणना को लेकर के किस प्रकार से भाजपा का रवैया था भाई, दोहरी नीति सामने आई थी। तो देखिए, और एजेंडा क्या था उनका कि समाजवादी राजनीति को ख़त्म करने का, क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करने का, लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने का। मतलब जो हुआ तो ललन सिंह जी ने, आदरणीय ललन बाबू जी ने तो सारी एक एक चीज़ की व्याख्या कर दी। नित्यानंद राय जो कब करें आप बताइए ना, हम पूछ रहे हैं। हम करेंगे, मुख्यमंत्री जी आदरणीय जैसा कहेंगे वैसा होगा, जब कहेंगे तब होगा। हम आप लोगों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास रख सकते हैं कि पत्रकार भाई लोग ही चाहते हैं कि कब हो, वही तारीख बताना चाहते हैं। आप बता दीजिए तारीख। देखते हैं चाचा भतीजा की सरकार कब तक रहती है, देखते हैं। चैलेंज ये कि देखते हैं कब तक रहती है चाचा भतीजा की सरकार। वो जब तक शांत रहते तब तक उनका चेहरा खिलता है।
इस तरह की बातें बोलते तो अच्छे नहीं लगते। गिरिराज सिंह ट्वीट कर रहे हैं सर, गिरिराज सिंह ट्वीट कर रहे हैं आरजेडी का जब सामंजस्य नहीं बनता किसी के साथ तो वो पलट जाते हैं कई बार। किनका? इस बार क्या अरे भाई, असली गठबंधन महागठबंधन ही है और यही सरकार गरीब और जनता की सरकार है। सब चीज देख दाग के ना आए हैं, देश के हालात, राज्य के हालात, ये सब कुछ देख दाग के आए हैं। और आए हैं तो हम लोगों ने तन मन धन से स्वीकारा है और हम लोग समाजवादी लोग हैं। अरे भाई, हम लोग समाजवादी लोग हैं। अरे भाई, हमारा मैनिफेस्टो क्या था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, यही सारी चीजें थी। अच्छा, गिरिराज सिंह ट्वीट करने की और जो योजना पहले से चल रही है वो तो चलेंगी ही, उसमें जो नए सुझाव होंगे हम लोग दे सकते हैं, वो तो बात की बात है। पहले एक बार ट्रस्ट वोट तो हो जाने दीजिए। आज ही आप लोग सब कुछ ले लेना चाहते हैं, मतलब पैदा हुए नहीं मरने की तारीख पूछ रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है? तेजस्वी यादव जो रोजगार देंगे, इस बात से लेकर दिक्कत हो रही है? दिक्कत किस बात से हो रही है? किनको? बीजेपी को दिक्कत किस बात से हो रही है कि जो उनके हुजूरों का दो हजूर जो हैं, जो उनके हुकुम हैं, उनको काम को ये पूरा नहीं कर पाए तो हुकुम नाराज है। नाराजगी जो है, गुस्सा जो है, इन पे निकला है कि भाई तुमको हमने काम दिया था नीतीश जी को ख़त्म करने का, समाजवादी राजनीति क्षेत्रीय दल को ख़त्म करने का, विधायकों को तोड़ने का, खरीदने का, तुमने वो काम क्यों नहीं किया? उससे नाराज होकर के इन लोगों को झाड़ पड़ा है और जब झाड़ पड़ा है तो हाथ से लेकर के सब हिल डोल रहा बिहार आ रहे तो इनके विपक्ष मजबूत हुआ है तो आने वाले हम तो कह ही दिए भाई, हमारा तो योजना क्या है? हम लोगों का तो चाहे हम विपक्ष में रहे हों या सत्ता में आए हों, दो बार नेता विरोधी दल भी बने और दूसरी बार हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, तो हमको तो जब भी मौका मिला है हमने जनता के सवाल को उठाया है एज ए नेता विरोधी दल। और जब मौका मिला था पिछले बार डिप्टी सीएम होने का तो आपने मेरे काम को भी देखा था, 18 महीने राष्ट्रीय जनता दल के इतने मंत्री थे महागठबंधन में, उस समय 2015 में जीते, एक दाग किसी मंत्री पे नहीं लगा था, एक दाग नहीं लगा था। और आपने काम भी देखा था, जो सीआरएफ फंड 200 करोड़ रुपया बिहार को मिलता था वो हम 1000 करके आए, 53 आरओ भी दिलाए, ये जो गांधी सेतु का जो निर्माण हुआ ये हमारा ही काम शुरुआत, इसको बंद करवाए थे, काम लगवाए थे, तब जाकर के आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सोनपुर दीघा वाला खोले थे, उसकी शुरुआत की थी। और कितना काम, कितने एसएच को हम लोगों ने कई हजार किलोमीटर सड़के जो है एनएच में कन्वर्ट कराए, पुल पुलिया बनवाए, तो ये काम तो हुआ। ऐसा नहीं कि काम हम लोगों ने नहीं किया, 18 महीने एक छोटा पीरियड होता है और उस समय तो हम, आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहली बार विधायक बने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे तब इतना काम किया, तो अब तो इन 7 सालों में 2 बार हम उप मुख्यमंत्री बन गए, विपक्ष के नेता बन गए, तो अब कितना अनुभव हो गया। चुनाव भी जो है बिना राष्ट्राध्यक्ष जी के शारीरिक रूप से यहाँ ना होने पर भी हमने उस जिम्मेवारी को निभाया, ईमानदारी से हमने काम किया, तो लोगों का प्यार मिला है। कड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव क्या सीबीआईडी से डर नहीं लगता है? आप जो कह रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव को सीबीआईडी से डर नहीं लगता है? अरे भाई, जब हम पहली बार विधायक बने, डिप्टी सीएम बने, जब हम काम कर रहे थे बिहार के लिए, नितिन गडकरी केंद्र से सहयोग भी हम जा करके झगड़ करके ले आते थे, एक फायदा पहुंचाते थे, जब नए नए थे तब सीबीआई के लोगों ने मुकदमा किया,
कितने साल हो गए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ गलती की होती तो सज़ा तो न्यायालय दे ही ना देती। तो खैर इस चीज़ पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। अभी ये सब मुकदमा लाता है, जब मेरा मूंछ नहीं था, जब हम क्रिकेट खेलते थे तब, अरे भाई हमने क्या गलत काम किया, हम जो 18 महीने अगर डिप्टी सीएम रहे हैं उसमें अगर हमने कोई गलत काम किया तो आपको उसमें कमी कोई मिली नहीं, कोई केस बना नहीं, तो भाई कैसे बना। तो ये तो देखिए हम लोग निश्चिंत हैं। कल ललन जी ने भी तो एक बात कही, करने दीजिए ना भाई सीबीआई ईडी इनकम टैक्स, आओ भैया मोस्ट वेलकम, हम तो न्योता देते हैं सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जा कर के शांति होगी, और तब भी ना शांति हुई हो